स्टूडेंट्स आवर यू आई होप यूर आर गुड बच्चों सो रेडी फॉर स्टडी सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर विच नेम इज माय स्टोरी सो लेट्स वर्ड्स फर्स्ट वर्ड इज हेयर फ्रॉलिक फ्रॉलिक क्या होता है बच्चे कोई भी ऐसी चीजें जो आपकी पहले से ही इंजॉयबल स्टोरी के रूप में होती है इट इज कॉल्ड फ्रॉलिक जिसको आप अच्छा स्टोरी के रूप में इंजॉय करते हैं देन क्वेर क्वेर क्या होता है स्ट्रेंज टंबल, टंबल मीन्स होता है टू फोल्ड डाउन स्टैमर स्टैमर मींस होता है कोई भी चीज आपकी स्ट्रेंज टाइप में होती है स्टैमर बोल सकते हो या कई बार आपकी कोई चीज ऐसी होती है जिसको आप प्रॉपर तरीके से उसको नहीं ले पाते समझ नहीं पाते इट इज कॉल्ड स्टैमर एंड चम चम मीन्स होता है बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं इट इज कॉल्ड चम लेफ्ट बिगिन बच्चो नोट the writer mark twain whose real name was samuel clemens has written this biography and shows how some things went in his life so yahan par jo writer hai bacche jinka naam hai mark twain wo hai ek real name unka kya hai real name bhi diya gaya hai bacche yahan pe samuel clemens उन्होंने लिखा है this biography और वो show करते हैं इस बायोग्राफी के थ्रू हाउ सम थिंग्स वेंट इन हिज लाइफ की उसकी लाइफ में किस किस तरह से कुछ चीजें गई और आई हैं उनको यहाँ पर शो किया है सर। जॉन क्लेमेंस फादर्स वाज अ फार्मर मर्चेंट एंड इन अ मसूरी टाउन कोल फ्लोरिडा हिस्स वाइफ जेने क्लेमेंस अ अरिंग बिजी वुमेन हु लाइक टू गेट हर वर्क आउट ऑफ द वे एंड देन हैसबेंड डिड नॉट नो वट इट मीन टू फ्रॉलिक It was not very well to begin with and when he had any spare time he sat by himself figuring out on an invention year after year he spent a good deal of time to thinking what fine things he would do for his family when he sold a great tract of land in Tennessee, he had bought 75,000 acres of land when he was much younger for just a few cents and acres, and when that land went up in price, he expected to be pointed out as a millionaire. At least John Clemens was a good man and something of a scholar, but he was not at least bit merry. His children never saw him laugh once in his whole life. Think of it. तो स्टोरी स्टार्ट होती है बच्चे जॉन क्लेमेंस जो है सैमुल्स के फादर और वो थे एक फार्मर ओके फार्मर थे एंड मर्चेंट एंड पोस्ट मास्टर इन मसूरी टाउन के अंदर और जिनको बोला जाता था फ्लोरिडा कोल्ड फ्लोरिडा एंड जो उसकी वाइफ थी बच्चे जेनेक क्लेमेंस वॉज अ स्टायरिंग बिजी वुमेन थी हमेशा काम करती रहती थी एंड हु लाइक टू गेट हर वर्क आउट ऑफ द वे एंड देन हैव अ रियल फ्लोरिंग और इस तरह से वो अपना काम में बिजी रहती थी देन उनकी जो स्टोरीज थी वो ऐसा था रियल बेस्ड पर थी जो उनके हस्बैंड से डिड नॉट नो व्हाट इट मेन टू फ्लोरिक उनको फ्लोरिक का मतलब ही नहीं पाता था कि किस तरह की क्या चीज़ें ऐसी बोल रहे हैं जो लाइवली तरीके से अभी भी अंडरस्टेंडिंग है ही वॉज नॉट ओनली वेरी वेल टू बिगिन विद अब क्या होता है बच्चे उसके पास स्पेर टाइम होता है वहाँ पर वो बैठ जाता है और अपना काम करता रहता है किस बात पर फिगरिंग आउट ऑन एन इन्वेंशन ईयर आफ्टर ईयर और उन्होंने एक गुड डील एक गुड डील ऑफ टाइम स्पेंड किया था इस बात को सोचने में फाइन थिंग्स ही वुड डू फॉर हिज फैमिली कि क्या उन्होंने अपनी फैमिली के लिए अच्छा वो कर सकते हैं और क्या करेंगे तो उन्होंने क्या किया ही सोल्ड अ ग्रेट ट्रैक्ट ऑफ लैंड तेन जो तेनसिन में जगह थी उसकी तो उसने उसको बेच दिया देन उसको बेचने के बाद उसने क्या सोचा ही हैड बॉट ऑफ लैंड और उसके बाद जब वो बहुत छोटे थे तभी बेच दिया था उस लैंड को देन उस लैंड को बेचने के बाद जो पैसे मिले तो तो एक्सपेक्टेशन वो कर रहा था टू बी पॉइंटेड आउट एज अ मिलेनियर और जॉन क्लेमेंस जो थे वो एक गुड मैन थे समथिंग ऑफ स्कॉलर कि वो एक स्कॉलर के बारे में सोचते थे, थे कि मैं जैसे स्कॉलर हूँ और उनके बच्चों ने कभी भी उनको ऐसे हमेशा ना बोलते ना ऐसे मुंह बना के रखना या बहुत ज्यादा ऐसा नेचर होना जिसमें वो कभी खुशी नहीं होते हंसते हुए नजर ही नहीं आते तो कभी उनके बच्चों ने उनको हंसते हुए भी नहीं देखा था होल लाइफ के अंदर सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है कि कभी पूरी लाइफ में उन्होंने अपने फादर को हंसते हुए देखा ही नहीं था मिसेस क्लेमेंस डिड नॉट लाइक टू हैव एनी वन अराउंड वेन शी वॉज बस्ट थ्रू द हाउस वर्क सो द सिक्स चिल्ड्रन स्पेंड द डेज रोमिंग थ्रू द कंट्री Picking nuts and berries. When it came night and they had had their supper, they would crowd around the open fire and coax Jenny, a slave girls or Uncle Ned, a colored frame hand to tell them stories. Jo Mrs. पे बच्चे मिसिस क्लेमेंस की बात हो रही है उनको सेम वैसे ही कि वो जब अपना हाउस वर्क कर रही होती है तो उसको आसपास किसी की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी और उसके छे बच्चे थे जो हमेशा स्पेंड करते थे अपने पूरे दिन को रोमिंग करते हुए थ्रू द कंट्री वहां पिकिंग नट्स करते थे बैरिस को कलेक्ट करते थे पिक करते रहते थे तो इस तरह से ही वो वेन इट केम नाइट और जब वो रात को आते थे तो साथ में बैठकर वहां पर सपर सपर मतलब क्या होता है बच्चे जो आपका डे नाइट में जो खाना होता है बिल्कुल एंड ऑफ द फूड मतलब पूरे दिन का लास्ट का खाने को हम क्या बोलते हैं सपर जिसको हम डिनर बोलते हैं जनरली एंड दे वुड क्राउड अराउंड द ओपन और सारे के सारे कहा बैठ जाते थे क्राउड पूरा झुंड बनाकर ओपन फायर एंड कॉक्स जैनि एंड स्लेव गर्ल्स जो अंकल नेड एंड कलर्ड फार्म हैंड फेमस स्टोरी टेलर वेन ही डिस्क्राइब्स विच इज एंड ग्लोब चिल्ड्रंस वुड लुक ओवर देअर सोल्जर्स एज इफ दे हाफ एक्सपेक्टेड अब जो अंकल नेट जो थे बच्चे अंकल नेट जिनका नाम है वो कौन थे वो एक थे फेमस स्टोरी टेलर मतलब अच्छी अच्छी स्टोरियाँ वो बहुत ज्यादा टेल करते रहते थे बच्चों को सुनाते रहते थे तो सब आराम से बैठ जाएंगे ना सबको स्टोरियाँ सुना तो वैसे भी अच्छा लगता था तो ज्यादातर कैसे स्टोरी सुनाते थे विचिस से रिलेटेड गॉबलिन से रिलेटेड मतलब ऐसे चुड़ैले होती हैं भूत वगैरह की ऐसी स्टोरीज को वो ज्यादा सुनाते थे उन्हीं चीजों को डिस्क्राइब करते थे और बच्चे भी उनको चुपचाप आराम से देखते रहते थे उनके शोल्डर को देखते रहते थे इफ दे हाफ एक्सपेक्टेड To see the queer creatures in the room. And all these stories began once upon a time, but each one ended differently. One of the children, Sam Clements, admired Uncle night story so that he could hardly wait for the evening to come. उसके बाद क्या होता है बच्चे जैसे सब बच्चे सुनते रहते हैं स्टोरीज उनको क्रिएचर्स की स्टोरी सुनना और अच्छी अच्छी स्टोरी सुनना तो अंकल के पास बड़ा पसंद था तो अंकल जो स्टोरी स्टार्ट करते थे वो स्टार्ट कैसे करते थे अ टाइम ऐसे करते हुए और जब उनकी एंडिंग होती थी स्टोरी की तो बिल्कुल डिफरेंट होती थी हर एक स्टोरी की जो एंडिंग होती थी बच्चे बिल्कुल डिफरेंटली एंडिंग करते थे वो सो उनमें से एक बच्चा था जिसका नाम था सैम क्लेमेंस जो अंकल की जो नेड की अंकल की स्टोरीज थी उनको काफी एडमायर करता था ताकि वो ऐसी ऐसी स्टोरी का वेट करता था कि भाई इवनिंग हो इवनिंग होगी और में हम अंकल से फिर अच्छे-अच्छी स्टोरी सुनेंगे। द दुड नेवर लाइव टू बी अ मैन दे एवरी वन ऑलवेज टू हिम एज लिटिल वो एक ऐसा बच्चा था डेलीकेट चाइल्ड था और वहीं पर पड़ोस के अंदर ही यूज टू शेक देयर लाइव टू मैन कि मतलब ऐसा लगता था बच्चे उसका मजाक बनाते थे कि ये तो कभी मैन ही नहीं बन पाएगा बड़ा छोटू सा है ना और उसको लिटिल सैम करके बुलाते थे देन व्हेन मिस्टर क्लेमेंस मूव टू अनदर टाउन सम डिस्टेंस अवे द मदर सेड इंस्टेंटली

क्या आपके बिजनेस के लिए जो हैनीबेल है वो बिल्कुल ठीक है और फ्लोरिडा एग्री कर जाती है सो वेल विद लिटिल सैम के साथ आई शेल स्पेंड एवरी समर हियर विद द चिल्ड्रन और हर समर मैं बच्चों के साथ यहाँ पर इसी तरह से बिताती हूँ ऑन द क्वेरल्स फार्म के अंदर द चिल्ड्रन वर ग्लैड शी हैड टू दिस प्लान फॉर मिस्टर क्वेरल्स लाव्ड एंड जॉग्ड विद देम बिल्ड देम हाई स्विंग्स लेट देम राइड ऑन ऑक्स एंड गो टू On house books and humble the hay fields all they wished. They had so much fun and exercise that they were even willing to go to bed without any stories. Sam grew plump. अब जो बच्चे होते हैं वो तो बड़े खुश होंगे क्योंकि उनको क्या मिल जाता है उनको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं टू हेल्प टू दिस प्लान को कैसे करना है और वो चले जाते हैं वहाँ पर मौज मस्ती करते हैं हंसते रहते हैं जिसके अंदर मिस्टर क्वैरल्स भी थे वो हंसते हैं जोक मारते हैं बच्चों के साथ और जो, बड़े बड़े जो झूले होते हैं ना बच्चे जैसे आपको दिख रहे हैं स्विंग्स है ना वैसे झूलों पर पूरा मौज मस्ती करते रहते हैं और हॉर्स बैग के ऊपर इस तरह से बैठे होते हैं देन टंबल टू हे फील्ड ऑल द वेस्ट और जैसे जैसे वो चाहते हैं सेम उनके साथ वो चीज़ें हो रही हैं वो प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को एक्सरसाइज कर रहे हैं इवन विलिंग टू गो टू बैड विदाउट एनी स्टोरीज मतलब ऐसा नहीं होता उनको स्टोरी तो सुननी ही होती है चाहे कुछ भी हो स्टोरी जरूर सुनेंगे एंड सैम ग्रू प्लंप अब सैम कैसा हो चुका था थोड़ा प्लंप हो चुका था थोड़ा सा मोटा हो चुका था अ फनी थिंग हैपेंड द फर्स्ट समर दे वेंट टू नाइस मिस्टर क्वेलसंस मिसेस क्लेमेंस विद द ओल्डर चिल्ड्रन द न्यू बेबी एंड जेनी वेंट ऑन हैड इन अ लार्ज वैगन सैम वाज अस्लीप मिस्टर क्लेमेंस वाज टू वेट अंटिल ही वक एंड देन वाज टू कैरी हिम ऑन horseback to join the rest. Well, as Mr. Clemens was waiting for Sam to finish his nap, he got to thinking of his invention or his tansy land, and presently he saddles and bridles the horse and rode away without him. He never thought of Sam again until his wife said, as he reached the quarrel's dooryard where is little Sam. Why why? He stammered, I must have forgotten him. Of course, he was ashamed of himself and hurried a man off of Hannibals on the swift horse, where Sam was found hungry and frightened, wandering through the locked house. Sam was sent to schools when he was five. He certainly did not like to study very well, but did learn to be a fine readers and spellers. funny thing फनी थिंगर फर्स्ट समर के अंदर एक फनी थिंग हुई थी वो कहा गए थे और उनके साथ विद द ओल्डर चिल्ड्रन भी थे जिनके अंदर उनके न्यू बेबी था छोटा सा बच्चा होता ना साथ में वो भी उनके साथ था जैनी थी और वो सबके सब जाते एक लार्ज वैगन के अंदर और सैम वहां पर सोया नहीं था मिसेज जो होती है बच्चे मिस्टर क्लेमेंस भी होते हैं मिसेज क्लेमेंस भी होती है तो मिस्टर क्लेमेंस जो होते हैं वॉज टू वेट करते हैं कि वो उठ जाए ठीक है उसके उठने का वेट करते हैं एंड कैरी हिम ऑन हॉर्स बैक पर उसको बिठा लेते हैं एंड टू जॉइन द रेस्ट देन मिस्टर क्लेमेंस वॉज वेटिंग कि कब सैम उठेगा और अपनी नैप को फिनिश करेगा अब वो उठता है तो क्या सोचते हैं कि अब ये इन्वेंशन के लिए तैयार है देन हिज हीस लेट एंड प्रेजेंटली द सैंडल्स एंड ब्राइबल्स द होल्ड एंड रोड अवे विदाउट हिम मतलब वो अब यात्रा करते ही रहे वहां पर चलते रहे घोड़ों पर और उन्होंने ये बात नहीं सोची सैम के बारे में अगेन अनटिल हिज वाइफ सेड जब तक उनकी वाइफ ने उनको नहीं बोल दिया था और जैसे ही वो पहुंचते हैं क्वेरल्स डोर यार्ड पर तो पूछते हैं वेयर इज लिटिल सैम कि लिटिल सैम कहाँ पर है उसको कहाँ छोड़कर आ गए देन वाई वाई और इस तरह से चिल्लाते रहे क्यों क्यों ही स्टैमर्स आई मस्ट हिम तो मुझे लगता है कि तुम उसको भूल गए हो ऑफ कोर्स ही मैन ऑफ द एनिमल्स एंड स्विफ्ट हाउस और वहां पर और क्या बोलती है कि सैम जो है वो कहाँ पर है भूखा हो गया होगा वो डर रहा होगा वो इधर उधर घूम रहा होगा एंड थ्रू द लॉक्ड हाउस सो सैम जो है वो सेंट टू स्कूल्स वेन वॉज फाइव और उसको भेज दिया गया था जब वो पांच साल का था उसको स्कूल में भेजा गया था एंड सर्टेनली डिड नॉट लाइक टू स्टडी मतलब उसको पढ़ना तो पसंद नहीं था ज्यादा स्टडी लेकिन उसको क्या पसंद था वो चीजें कि जिनको करके वो अच्छा बन गया था क्या उसकी अच्छी चीजें क्या हो गई बच्चे रीडिंग और स्पेलर वो रीडर बन गया अच्छा और स्पेलर भी बन गया था एट द एज ऑफ नाइन सैम वॉज अ गुड स्विमर्स ऑल्सो He came very near being drawn the three different times while he was learning and loved the river so that he was to be found on its shore almost an hour of the day. He longs to travel by the steamers once he ran away and hid on board one until it was well down the rivers as soon as he showed himself to the captain. and and he 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 was was put ashore. his father was sent for and he received a a whipping that he remembering a long time. so at the age of nine, Sam, तो swimmer अच्छा तो था वो और वो three times drown भी कर चुका था डूब भी चुका था जबकि क्यों डूब के जैसे अच्छे स्विमर्स होते हैं तो डूब भी रहा था लेकिन वो अपने को बचा भी पाया वाइल ही वॉज लर्निंग क्यों जब वो सीख रहा था कोई चीज हम सीखते हैं लर्न करते हैं बच्चे तो ऐसी चीजें होती रहती हैं ना हम थोड़ा सा गलतियां भी करते हैं तो सेम वैसे ही वो लर्निंग के दौरान तीन बार ड्रॉन भी कर चुका था देन लव द रिवर्स हो दैट ही वॉज एबल टू फाउंड द इट्स शोर एंड ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ द डे मतलब पूरे दिन में वो एक घंटा तो जरूर ऐसा काम करता रहता था और उसको तैरना बहुत पसंद था वो ट्रैवल करता था स्टीमर्स के साथ साथ में भागता रहता था एंड हिड ऑन बोर्ड वन इट वॉज डन ऑफ द रिवर्स सो जैसे जैसे वो अपने आप को शो करता रहता था एज अ कैप्टन के रूप में कैप्टन मानता था अपने आप को और उसके फादर जो थे जब उसको भेजते थे देन ही रिसीव्ड अ विपिंग दैट ही रिमेंबरिंग अ लॉन्ग टाइम और जैसे वो याद करता था अपनी चीजों को तो वो At nine, he had a head rather too large for his body, and it looked even bigger because he had such a lot of waving, sandy hairs, and he had fine grey eyes, a slow drawing voice, and said such droll things that the boys listened to everything he said. His two best chums were Will Bowen and George Briggs. These three friends could run like deers, and what time they were not finishing?

लॉट ऑफ वेविंग एंड सेंडी हेयर वेविंग वाले मतलब करली हेयर थे उसके सैंडी हेयर थे और उसकी जो आंखें थी वो कैसी थी ग्रे आईज एंड स्लो ड्रॉइंग वॉइस थी उनकी एंड सच उसके अंदर काफी बदलाव आ चुके थे बच्चे कहने का मतलब ये है उसके अंदर जो, जो चेंजेस आए थे वो यहाँ पर बताए गए हैं तो उनके जो दो बेस्ट फ्रेंड थे बेस्ट चम्स चम्स क्या बच्चे फ्रेंड है ना तो वो तो कैसे थे इनका नाम विल बोवन एंड जॉन ब्रिग्स इसके बेस्ट फ्रेंड रहे ओके तो इनका याद कर लेंगे Will Bowen and John कैसे हिरन की तरह वो दौड़ते रहते थे एंड वेन टाइम दे नॉट फिशिंग और स्विमिंग केव विच हैड फाउंड और हमेशा केव में ही वो मिलते थे एट ट्वेल्थ ही वॉज जस्ट अयरलेस Happy, barefooted boy, and often in mischief, and only excelling in two things at school. He won the weekly medals for spelling, and his compositions were so funny that his teachers and pupils used to laugh till the tears came when he would read aloud. His teacher said he ought to train himself for a writer, but did not seem to him that there was anything so noble or desirable in his. वर्ल्ड एज बी अ पायलट एंड ही लव द ग्रेट मिसिफी रिवर्स बेटर देन एनी प्लेस ही हैड नॉन और कर्ड इमेजिन अब ट्वेल्व ईयर्स का हो गया ठीक है तो ट्वेल्व ईयर्स के बाद वो कैसा था यो जस्ट अ केयरलेस हैप्पी बेयरफूर्ट बेयर फूट क्या होता है नंगे पैर ओके okay? और शरारतों से भरा कभी कभी शरारते ओफन इन मिशीफ बोला है बच्चे तो कभी कभी शरारते हैं ना ऑफन इन मिशीफ और बेयरफोर्ट नंगे पैर एंड द ओनली एक्सेलिंग इन टू थिंग्स सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्या आती उसके अंदर स्कूल में कि वो वीकली मेडल लेकर आता था स्पेलिंग के लिए है ना तो स्पेलिंग अच्छी आती थी उसको इसलिए वो मेडल मिलता था उसको और कंपोजिशन करता था फ़नी चीज़ों को मतलब टीचर्स थे जो pupils थे वो सब के सब इतना ज़्यादा हंसते थे कि उनकी आँखों से पानी ही आ जाता था ये दो चीज़ें उसके साथ बेस्ट हो गई थी ये दो चीज़ों में इसने बहुत अच्छा कर लिया था

होल्ड ऑन टू इट एंड यू बी रिच के जो फादर थे उनके डेथ हो गई थी डेड हो गए थे तो उन्होंने धीरे से बोला था कि इस लैंड को जो टैनसिन वाली लैंड है इसको सेल नहीं करना इसको बचाए रखना है और तुम क्या हो जाओगे फिर रिच हो जाओगे यू विल ऑल बी रिच आफ्टर हिज डेथ लर्न द पेंटर्स वॉज वेरी क्विक इन सेटिंग टाइप एंड एक्यूरेट सो दैट ही सून हेल्प हिज ओल्डर ब्रदर स्टार्ट अ न्यूज पेपर He worked with his brothers until he was 18. And then he told his mother that he wanted to start out for himself in the world. Janet Clemens loved him dearly and hated to part with him. But when he saw his heart was set on going, he took up a man and said, Well, Sam, you may try it, but I want you to take hold of this book and make me a promise. I want you to repeat after me these words. I do solemnly swear that I will not throw a card or drink a drop of liquor while I am gone. After his death मतलब यहाँ पर उसके father की बात करी जा रही है बच्चे After his death Sam ने बहुत सारी चीज़ें learn की painter's trade में भी और उसने और चीज़ें भी की साथ में setting type of accurate और साथ में he soon helped his older brother जिसका older भाई थे ठीक है उसकी भी स्टार्ट की जैसे उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट करना था सेल करने के लिए तो इन चीजों में उसने हेल्प की जब वो एटीन ईयर्स के थे देन उन्होंने टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉन्ट टू स्टार्ट आउट फॉर हिम इन द वर्ल्ड जेने क्लेमेंस जो बहुत ज्यादा प्यार करती थी डियरली एंड हेटेड टू पार्ट विद हिम बट ही सो हिज हर्ट वॉज सेट ऑन गोइंग ही टुक अप अ टेस्ट मैन एंड सैड क्या बोला उसने वेल सैम यू मे ट्राई इट बट आई वॉन्ट यू टू टेक होल्ड ऑफ दिस बुक एंड मेक मी आरोप करना पड़ेगा और शायद तुम्हें करना भी चाहिए क्या करती हूँ इस चीज की कसम खाती हूँ कि मैं क्या करूंगी आई विल नॉट थ्रो अ कार्ड और ड्रिंक का ड्रॉप ऑफ लिख कर की मैं कभी भी इस कार्ड को थ्रो आउट नहीं करूँगी फेंकूँगी नहीं और कभी भी मैं कोई लिख कर का एक ड्रॉप तक नहीं लूंगी लिख कर क्या होता है बच्चे

कि जो जो उसने बोला उसने बोला रिपीट करो तो वही चीज उसने बोली कि हाँ आपको पीना नहीं है कार को फेंकना नहीं है ये वो इस तरह से तो मेरे पीछे रिपीट करो उसने वही चीजें रिपीट करी देन और गुड बाय बोलते हुए और वो चले जाते हैं वेन टू तो सेंट लुइस ही मीन टू ट्रेवल एंड ही क्या करते हैं वहां पर आंट करते हैं इन अ बाय न्यूज वर्क के थ्रू ही विजिटेड न्यू यॉर्क Philadelphia and was on his way to South America when he got a chance to be a pilot on the Mississippi Rivers. While he was learning this trade, he was happier than he had ever been in his life. If you want to know what happened to him at this time, you must read a book he wrote, Life on the Mississippi Rivers. He wrote a great many books and assigned whatever he wrote with a cure name. Mark Twain. This was an old term used by pilots to show how deep the water and is where the throw the lead. His writings like his boyish compositions made people laugh. So that now, although has been dead several years, whenever the name of Mark Twain is mentioned, a smile goes around. If you want to know more about the actual doing of Sam and his chums, Will Bowen and John Briggs read.

कि उनको लाइफ में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और चीजें जैसे उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई थी तो उसको जानने के लिए हमें बताया भी गया है हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए उनकी लाइफ ऑन द मिसिपी रिवर्स जो उन्होंने लिखी है ही रोट अ ग्रेट मैनी बुक्स और भी बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी हैं साइन वट एवर ही रोट विद अ क्योर नेम्स जिनका नाम है मार्क चेन्स के ऊपर भी उन्होंने बुक लिखी है और भी ऐसी चीजें वो करते रहते थे जैसे वो पानी की गहराई को नापने के लिए कि कितना डीप है तो क्या करते थे लीड फेंकते थे थ्रो द लीड और उनको पता चल जाता था पानी की गहराई कितनी है तो ये चीजें उनके साथ होती रहती थी ओके एंड हिज राइटिंग लाइक द बॉयश कंपोजिशन के अंदर उन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा हंसाया भी है तो ऐसा भी लगता है कि उन्होंने लोगों को इस तरह से हंसाया है जिसके अंदर बहुत सारी चीजों को अलग अलग तरीके से पेश किया है अपनी राइटिंग के थ्रू देन इफ आई यू वॉन्ट टू नो अबाउट द मोर एक्चुअल डूइंग के बारे में जो चम्प थे उनके फ्रेंड्स थे उनको भी आप पढ़ सकते हो किसके अंदर जॉम स्वे एंड हॉकबेरी फिन के अंदर इनकी बुक का नाम है फॉर इन दो बुक हैज सेट डाउन फेयर अकाउंट ऑफ देयर एस्केमें वाइफ एंड अ चिल्ड्रन ऑफ होम ही वॉज वेरी फॉन्ड As he made much money for his books and lectures they were all able to travel in foreign countries as his best book of travels in Innocence Abroad it seems to me that even his father would have laughed over that book speaking of his father again reminds me to tell you that the tenants land never brought any luxuries to the Clemens family it was sold for less than the taxes had amounted to सो मिस्टर क्लेमेंस जो थे उनकी वाइफ थी बच्चे भी थे जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे उनको फैमिली अपनी पसंद थी तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे और बुक्स भी लिखी एंड उससे बुक से पैसा भी कमाया तो इनके बेस पर ट्रैवल करने का तरीका था अलग अलग फॉरन कंट्रीज़ में भी वो घूमने के लिए गए थे तो ऐसे ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में होती रही थी और ऐसे ऐसे वो लिखते थे बच्चे जिसके अंदर से यहाँ पे इनोसेंट अब्रॉड के बारे में भी उन्होंने लिखा है तो वो चीज़ें उन्हें लिखी और इतनी अच्छी तरीके से वो प्रेजेंट करते थे कि ऐसा लगता था कि उनके फादर जो कभी भी नहीं हंसे थे तो शायद उनकी बुक को पढ़कर हंस पड़े होंगे है ना देन स्पीकिंग ऑफ हिज फादर अगेन रिमाइंड्स मी टू टेल यू दैट द टेंसेंस जो लैंड है उसको कभी नहीं बेचना लेकिन जब उसको बेचा भी गया था अमीर बनने के लिए लग्जरी लाइफ को जीने के लिए तो जो क्लेमेंस की जो फैमिली थी बच्चे तो उसको जब जमीन को बेचा गया वहाँ पर तो वो टैक्सेस से भी कम दाम में गई थी मतलब जितना उसको जाना चाहिए था लैंड को उससे भी कम दाम में गई थी तो कहने का मतलब उनका यहाँ पर हार्ड वर्क जो दिखाया गया है ठीक है सैम का कि वो ऐसा नहीं है कि लैंड बेचकर और फिर अमीर बन गए ऐसा नहीं उन्होंने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क किया मेहनत की और जिसके थ्रू उन्होंने बहुत सारी चीजों को सीखा और किया और इस वजह से वो सक्सेसफुल भी बने तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चे और ये लिखी किसके थ्रू है मार्क ट्वेनिंग के थ्रू लिखी गई है मार्क ट्वेन के थ्रू लिखी गई है इसको पढ़ेंगे रीड आउट करेंगे अच्छे से और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज डू इट योर बच्चों